हेलो गाइस, तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खतरनाक चीज़ बनाने वाले हैं। गाइस, तो जान रहे हो गाइस कि ठंडी आ गई है, तो हमें सबसे पहले तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो गाइस, हम गर्म करने वाला एक मशीन बनाएंगे गाइस, जो बहुत ही कम समय में आपका पानी बिल्कुल गर्म करके दे देगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, इस वाटर हीटर को बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैं आगे टेबल पर। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा एक नाइक्रोम वायर। तो गाइस, ये नाइक्रोम वायर आप किसी सोल्डिंग आयरन के में से निकाल सकते हो, आप किसी भी चीज़ में से निकाल सकते हो। आपको निकालना नहीं आता है तो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हो कि नाइक्रोम वायर कैसे निकालते हैं। मैंने फुल वीडियो एक्सप्लेन करके उसमें बताया हूँ। तो गाइस, इस नाइक्रोम वायर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कितना पर ये कितना अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक 12 वोल्ट का बैटरी लिया हूँ और इससे मैं जांच कर रहा हूँ कि ये कितना मतलब चला दे रहा है नाइक्रोम वायर को, कितना अच्छे से वर्किंग कर रहा है। आप गाइस बैटरी का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो आप किसी ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हो या किसी पावर सप्लाई जो डायरेक्ट लाइट से चलता हो, तो आप उसका यूज कीजिएगा। मेरे पास वो नहीं है फिलहाल में, तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, इतना बड़ा मेरा बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा ही काट लेता हूँ इसको, सबसे पहले काट लेता हूँ। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने छोटा कर लिया है। और उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल एक बहुत ही सस्ता चीज़ चाहिए, वो एमसील। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, दो पैकिंग आता है, एक छोटा भैया और एक बड़ा भैया, इस टाइप के दो पैकिंग आते हैं। तो गाइस, आप दोनों का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बड़ा वाला यूज करूँगा, क्योंकि बड़ा में एक ही हो जाएगा। अगर छोटा यूज करना है तो गाइस आप दो ले सकते हो। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले इसे मिक्स करना है। तो क्या करता हूँ गाइस, फटाफट से इसे मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से आपको चपटा बना लेना है। और उसके बाद क्या करना है, गोल नाइक्रोम वायर को कर लेना है और इसके ऊपर रखकर फिर से इसके ऊपर हमें जो एमसील है उसको लगा देना है, क्योंकि इस नाइक्रोम वायर को हमें ढापना है। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस, उसके जो सूख रहा है अभी तक, और तब हम इसका बॉडी बना लेते हैं, तब तक वो सूख जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, तो एक प्लास्टिक का पाइप ले रहा हूँ, कुछ इस टाइप का, ये मेरे पास बहुत ही पुराना था, बहुत सारे इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो इतना इसका पीस बचा था, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दो यहाँ पर इस टाइप का लकड़ी का गुटका है, MDA बोर्ड, इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, ये हमारा साइड में निकले नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको लगा लेना है, आप टेपिंग कर सकते हो या किसी भी चीज़ पे यहाँ पर चिपकाना है आपको, जिससे हमारा जो पानी गर्म करेंगे, गिलास वगैरह कुछ भी, तो बाहर ना आए। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने टेपिंग कर दिया। और दो वायर लेना आपको। तो गाइस, आपको वायर बहुत ही ज़्यादा हैवी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मतलब हीट ऑब्जर्व करता है ये नाइक्रोम वायर, तो आपका वायर जल भी सकता है। तो गाइस, वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। गाइस, आप लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो क्या करना है, दोनों वायर को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर का साइड एक पीस लगाना होगा। देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप का एक यहाँ पर पीस लगाने ना हमको लगाना है। तो इस टाइप से आप पीछे से पैकिंग कर सकते हो, आप चाहे हो तो बड़ा छोटा आप मतलब ले सकते हो अपने हिसाब से। तो कुछ इस टाइप का हो गया गाइस, आप चाहते हो तो इसे सैंड पेपर की मदद से घिस कर आप इसे मतलब एकदम स्मूथ बना सकते हो। तो फिलहाल में ये बड़ा रहेगा, तो गाइस ये गिरने नहीं देगा,
तो इस टाइप से कुछ इसका स्टैंड भी अच्छे से वर्किंग कर रहा है। अब इसे चलिए थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो गाइस टेस्ट में आपको पानी तो बिल्कुल गर्मा कर नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं आपको ट्राई करूँगा पूरा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, देख सकते हो, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। और गाइस पहले पहले धुआं निकलेगा क्योंकि इसमें एमसील थोड़ा जलेगा, जहाँ से हम लोग लगाए हैं वहाँ से थोड़ा एमसील जल सकता है, तो धुआं थोड़ा बहुत निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत धुआँ निकल रहा है गाइस, और थोड़ा थोड़ा हीट, क्योंकि गाइस ये बहुत जल्दी हीट हो जा रहा है ना, नाइक्रोमैट जैसे पावर सप्लाई इसमें भी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी डाउन भी हो जा रहा है बैटरी मेरा, और इससे बहुत ज़्यादा ही हीट भी हो जा रहा है। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से थोड़ा हीट करने लगता हूँ इसको। तो देख सकते हो गाइस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यहाँ से धुआँ निकल रहा है, अब निकलने लगा ज़्यादा गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ वायर में कनेक्ट किया हूँ वहाँ से नाइक्रोम वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल रेड हो चुका है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी धुआँ निकलेगा कम से कम एक दो मिनट तक, क्योंकि एमसील जलेगा, तो इसे हम जलने देते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जल रहा है, तो इसे फटाफट से हम जलने देते हैं, उसके बाद आगे एक प्रोसेस बताता हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल धुआं अब नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत निकलेगा तो चल सकता है। और यहाँ पर मैं गिलास में थोड़ा पानी रख दिया हूँ, जिससे ये नाप सकूँ कि ये कितना देर तक मतलब पानी गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ इसे, और लगभग 2-3 मिनट में गाइस ये बिल्कुल सुमसुमा पानी हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा हीट हो गया था 2-3 मिनट के अंदर। तो इसे मैं पूरा गर्म नहीं किया, क्योंकि आपको अच्छे से वर्किंग इसे टेस्ट कराना था, तो यहाँ पर मैं पूरा टेस्ट नहीं किया हूँ। और यहाँ पर 2-3 मिनट बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका था। तो गाइस इससे भी अच्छा टेस्ट कराऊंगा, आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि ये वर्किंग करता भी है नहीं करता है। मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाइस आपको ये कम से कम ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है, उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना जल्दी से पानी इसमें जल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, तो इसे मैंने निकाल दिया है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हीट है, तो अभी जल रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।